हेलो फ्रेंड्स सो आज हम देखने वाले हैं सेफिया ऑफिशनलीस सो so, सेफिया ऑफिशन का कॉमन नेम होता है कैटल फिश जो कुछ ऐसे दिखती है इसको प्रूव किया है डॉक्टर हैनामें सर ने एंड इट बिलोंग्स टू द किंगडम एनिमिलिया एंड फैमिली मोल्यूस का इंट्रोडक्शन स्पेसिफिकली सीपिया फिश रेमेडी है एंड विच इज़ पॉपुलरली नोन एज वॉशर वुमेंस रेमेडी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है सीपिया अपने होम्योपैथी के लिए एंड विच इज़ ए लॉन्ग एंड डीप एक्टिंग रेमेडी एंड उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है फोर्टी टू फिफ्टी डेज सो प्रिपरेशन सी की गई है प्रिपेर फ्रॉम द ट्रैचुरेश ऑफ ड्राइड लिक्विड फ्रॉम द इक बैग ऑफ द कटल फिश कटल फिश के पास एक इंक बैग होती है जिसमें प्रेजेंट होता है ब्लैक और ब्राउनिश कलर का इंक सो so, उसका यूज़ करती है कटल फिश अपने प्रोटेक्शन के लिए सो so, वो करती है रिलीज़ अपना फ्लूड वाटर में एंड जिसकी वजह से वाटर का कलर हो जाता है डार्क और सामने वाला एनिमी अपनी आई साइड लूज कर देता है ड्यू टू द कन्फ्यूजन एंड वो वहाँ से एस्केप कर जाती है सो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि प्रूफ कैसे हुई हमारी रेमेडी सो so, एक बार सर के क्लिनिक में आया एक पेशेंट जो प्रोफेशनली था पेंटर एंड वन मोर इम्पोर्टेंट कि पेंटर को आदत थी मुंह में ब्रश रखने की सो so, ये तो हम बाद में देखेंगे सिम्टम बट यहाँ पे पेंटर की कंप्लेंट थी कि उसको कुछ क्रोनिक एलिमेंट्स थे पेट दर्द जो बहुत ही उसको कॉन्स्टेंटली रीअपियर होता था हर बार सो so, इस बार हेनमैन सर ने ली केस टेकिंग एंड उनको दी सिमिलिमम अब सिमिलिमम तो दे दी आफ्टर फ्यू डेज पेंटर आया एंड ही वॉज़ लाइक कि मेरे तो सिम्टम्स री रीअपियर हो रहे हैं सो so, इसके बाद हेनमैन सर ने वापस से री केस टेकिंग ले ली एंड तब पता चला कि उनके जो एक कॉज था वो था कि फ्रिक्वेंटली वो ब्रश मुंह में रखते थे और जिसके वजह से ब्रश पे का जो केमिकल था वो उनके मुंह पर चला जाता था पेट के अंदर एब्सॉर्ब हो जाता था एंड जिसके वजह से होती थी कंप्लेंट्स रीअपियर सो हैनुमन साहब ने एडवाइस दे दी दैट यू शुड डिसकंटिन्यू हिज प्रोफेशन एंड आफ्टर सम डेज पेशेंट वॉज कंप्लीटली रिडेम ऑफ ऑल हिज कंप्लेन्ट दिस यूनिक प्लेजेंट एक्सपीरियंस अल्टीमेटली लेड ही लाइक दिस डॉक्टर प्रूफ से पॉर द बेनिफिट ऑफ जनरेशन ऑफ मैन सो अब है तो सेपिया होती है बट यहां पे उनका जो पेल्विस हो जाता है और फ्रॉम पूरी स्ट्रेट रहती है पॉट बेलिडनेस अब ये एक फीचर होता है सीपिया की फीमेल में मदर में दिखता है कि वो पॉट बेलड होती है एंड टेल टेल फेस उनका फेस स्टोरी टेल करता है उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स इंटरनल इलनेस को वो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से शो करती है देन नेक्स्ट इज फेस जो होता है उनका येलो होता है सो येलो अर्थली कॉम्पलेक्शन लैक्स फाइबर्स और उनके जो येलो सैडल नोज़ उनके नोज पे येलो सैडलनेस प्रेजेंट होती है जो हम नेक्स्ट पिक्चर में देखने वाले हैं येलोइश फेस येलोइश कंजटाइव अलोंग विद द मॉथ स्पॉट्स मॉथ स्पॉट्स क्या होते हैं सो मॉथ बटरफ्लाई को कहते हैं बटरफ्लाई के ऊपर जैसे ब्लैक स्पॉट्स है यहाँ पे प्रेजेंट एज लाइक सीपिया के फेस पे ब्लैक स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सो so, इसको को कहते हैं मॉथ स्पॉट्स एंड सैडल नोज अब सैडल नोज क्या होता है सो दिस पैटर्न ऑफ द नोज इज नोन एज सैडल नोज सो भाई सैडल क्या होता है सो so, हॉर्स के बैक पे जो एक स्ट्रक्चर एक बैक प्रेजेंट होती है जिसके ऊपर जॉकी बैठता है वो होता है सैडल इन शेप आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये एक शेप दिखा रहा है सैडल इन शेप वैसे ही सामने से अगर देखें तो हमारा नोज भी कुछ ऐसा हो जाता है द नेक्स्ट फीचर इज टेम्प्रामेंट भाई बहुत ही नर्वस टाइप के होते हैं ये सेपिया के पेशेंट्स बहुत ही सैड रहते हैं एंड एक्सट्रीमली चीली इन नेचर होते हैं एंड इनका जो माइजम होता है वो होता है एंटीसोडिक एज वेल एज एंटीसाइकोटिक अब डॉक्टर ऑफ सिग्नेचर भाई सेपिया और कटल फिश में और सेपिया के पेशेंट में क्या सिमिलैरिटी होती है वो अकेली स्विम करना पसंद करती है रादर देन इन ग्रुप्स वैसे ही सेपिया नेचुरली इंडिपेंडेंट होती है उसे बाकी मतलब वमन्स की तरह ग्रुप में रहने की आदत नहीं होती उसे अकेला रहना पसंद होता है सेपिया एक सॉलिटरी एनिमल है एज लाइक like सेपिया फिश का जो पेशेंट होता है सेपिया एक अनसोशियबल होता है उसको कंपनी से एवर्जन होती है एंड शी फील्स बेटर अलोन देन अब जो कटल फिश होती है वो अपने बच्चों की अच्छे से नरिशमेंट नहीं कर पाती एक्चुअली वो करती नहीं है एंड शी हेट्स टू नरिश एंड केयर नहीं करती एज लाइक like, जो पेशेंट होती है सेपिया की वो सेपिया की मदर मैटरनल इंस्टिंक्ट में कम होती है लाइक इन मैटरनल इंस्टिंट मातृत्वता की कमी होती है उनमें एंड द नेक्स्ट फीचर इज़ की सेपिया जो फिश होता है वो कॉन्स्टेंटली मोशन करता है पानी में अपने टेंटाकल्स और लिम्स को कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है एज लाइक like, सेपिया की पेशेंट को एक जगह पर रहने से प्रॉब्लम होती है वो भी कॉन्स्टेंटली मोशन करती है एंड उसको कंप्लेंट जो होते हैं वो रिलीफ होती है बाय द डांसिंग मोशन अब नेक्स्ट फीचर है हमारे पास कि क्लिनिकल तो सीपीआर बेस्ट वर्क्स ऑन द एबडोमिनल डिसऑर्डर्स अमेनोरिया अपोप्लेक्सी अस्थमा कफ कैंसर डिस्पेप्सिया दैट मींस इंडाइजेशन एक्जिमा आई अफेक्शंस फीमेल जेनाटल ऑर्गन्स देन गाउट वुपिंग कर्फ गनरिया विच इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हेड एक जॉन्डिस ल्यूकोरिया लीवर अफेक्शंस वारिकोज वेन्स प्रेगनेंसी बियरिंग डाउन सेंसेशन सोरियासिस यूरिनरी कंप्लेंट्स प्रोलेप्स ऑफ यूटरस टूथेक एंड टोसिस मीन ड्रुपिंग ऑफ द आईलिट्स एंड सीआरटिका देन हमें देखना है कि स्पेयर ऑफ एक्शन क्या होती है सो दाइज सीपिया बेसिकली एंड प्रोमिनेंटली एक्ट करती है फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स पे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे देन इट वर्क्स ऑन द लीवर पोर्टल सिस्टम एंड आफ्टर दैट इट वर्क्स ऑन द किडनीज एंड स्किन बेसिकली डर्मिस, इपडर्मिस हाइपोडर्मिस एंड नर्वस सिस्टम दैट इज माइंड देन नेक्स्ट एलमेंट स्ट्रोम सीपिया के कंप्लेंट्स कौन से चीज़ों से बढ़ते हैं सो कॉजेशन होते हैं वॉशिंग क्लोथ्स दैट इज लॉन्ड्री वर्क स्नोवी एयर दैन नेक्स्ट इज टबैको सोशी और ही हैजैको डिस्पेपशिया एंड द बॉइल्ड मिल्क अलॉन्ग विद ईटिंग पोर्क मेट अब फिजिकल गाइडिंग सिम्टम्स क्या होते हैं तो फिजिकल गाइडिंग सिम्टम्स में पहला है कि सेपिया को होती है लैक ऑफ वाइटल हीट की कंप्लेन इन क्रोनिक डिसीजेस सेपिया का होता है बियरिंग डाउन सेंसेशन विच इज बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन की सेपिया को होते हैं बियरिंग डाउन सेंसेशन क्लोज टू क्रॉजर लेग्स अपने पैरों को वो क्रॉस करके बैठती है हर बार टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम कमिंग डाउन बजाइना द नेक्स्ट फीचर होता है कि पेन जो होता है उसका अदर पार्ट्स से बैक पर एक्सटेंड करता है उसको सेंसेशन होते हैं इनर पार्ट्स में बॉल प्रेजेंट होने के बिकॉज वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होता है और हार्ट स्टोल प्रेजेंट होते हैं हार्ट स्टोल वहाँ पे एक जगह पे कलेक्ट होते जाते हैं और वो बॉल जैसे उसको फील होते हैं सेपिया इज नोन एज वॉशर वोमेंस रेमेडी बिकॉज उसके जो कंप्लेंट्स होते हैं वो लॉन्ड्री वर्क से हो जाते हैं एग्रोवेट सो उसको पानी से हो जाती है प्रॉब्लम द नेक्स्ट इज सेपिया बहुत ही चिली होता है इजीली चिल कैच करती है वो पेशेंट देन डिस्निया सेबिया का डिस्निया सीटिंग पोजीशन में या फिर सोने से ग्रवेट हो जाता है वाइल डांसिंग करने से या फिर वॉकिंग करने से जो डिस्निया होता है वो रिलीफ मिलता है उसको डिस्निया से डिजायर वेनेगर की पीकल्स की एसिड्स की ब्रेड बटर की सोप वाइन स्पाइसी पंजेंटन बेटर थिंग्स की एंड उसको एवर्जन होता है मिल्क से स्पेशली पॉइल मिल्क टबैको मीट एंड साइट एंड स्मेल ऑफ द फूड जिसकी वजह से उसको होती है नौशिया एंड वामिटिंग की कंडीशन राइस देन नेक्स्ट है कि उसको होते हैं एम्टी ऑलगॉन सेंसेशन और उसके जो एम्टी ऑलगॉन सेंसेशन होते हैं वो खाना खाने से भी रिलीव नहीं होते उसको होती है सेंस ऑफ फुलनेस इन द पेल्विक ऑर्गन एंड प्रेशर डाउन इन द एनस तो कॉन्स्टेंटली उसको फुलनेस वाली फीलिंग होती है एंड द नॉन सिम्टम दैट साइट और इवन थाट ऑफ द फूड्स सीकें नोशेड्स सो यू कैन इमेजिन कि वो अगर खाने के बारे में सोचती भी है तो उसको नोशिया और वॉमिटिंग की फीलिंग होती है वो हम आर्सनिक एनकोल्जिकम में भी देख पाते हैं द नेक्स्ट फीचर इज़ अब हमें इंपॉर्टेंटली मैंटल्स जानने हैं जब इस सेपिया क्लिनिक में आता है तो उसके मेंटल्स ज्यादा हम इवेलुएट करते हैं उसको इंपॉर्टेंस देते हैं सो मेंटल्स में देखो कि सेपिया जो होती है वो बहुत ही होती है इनडिफरेंट स्पेशली टू हु टू दो हुम शी लव बेस्ट मतलब जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करती है उसी से वो इंडिफरेंट हो जाती है उसका ऐसे फीलिंग होती है दैट आई डोंट केयर अबाउट यू आई डोंट केयर अबाउट एनी वन मतलब उसके बच्चे हो उसका हस्बैंड हो तो उसको किसी की कुछ पड़ी नहीं रहती द नेक्स्ट फीचर इज इंडोलेंट बहुत ही आलसी होता है सीपिया का पेशेंट एंड द ग्रेट एनजाइटी सीपिया हैज ड्रेड ऑफ बिंग अलोन वैसे तो सीपिया एक इंडिपेंडेंट क्रिएचर है मैंने आपको डॉक्टर ऑफ सिग्नेचर में बोला कि उसको अकेला रहना पसंद है बट अकेले रहने में उसको डर लगता है एंड ग्रेट सैडनेस प्रेजेंट होती है सीपिया में और हर एक कंप्लेंट के टाइम पे वो विपिंग टेंडेंसी शो करेंगी वो रोने रोने जैसी हो जाएगी एंड सेपिया इज़ बहुत ही कंजूस और लालची इंसान होता है दैट इज़ मिसली एंड ग्रेडी पर्सन सेपिया थिंग्स अबाउट इविल्स एंशियस एंड फीवरफुल वो हमेशा एविल के बारे में सोचेगा घोस्ट के बारे में सोचेगा एंड उसकी उसी के सोचने की वजह से वो बहुत ही एंशियस एंड फीवरफुल हो जाता है अब सेपिया जो पेशेंट होती है वो बहुत ही इरिटेबल पेशेंट होती है और मेनली अगर उसको कंसोल करना कोई किसी ने उसको अगर सिंपत्ति दिखाई या फिर उसको समझाने की कोशिश की तो वो हो जाती है एग्रवेट उसके मेंटल सिम्टम्स हो जाते हैं एग्रवेट एंड मोस्टली इरीटेबलनेस वो शो करती है और अगर उसकी इरीटेबलनेस एक्सट्रीम लेवल तक चली गई तो वो टेंडेंसी उसको आ जाती है टू कमिट सुसाइड फ्रॉम डिस्पेयर मतलब होपलेसनेस उसको लगता है कि हम हमारी कंडीशन से रिकवरी नहीं कर पाएंगे एंड उसको हो जाती है डार्क फॉर बेडिंग्स ऑफ द फ्यूचर मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में वो फ्यूचर के बुरे बुरे ख्याल उसको आएंगे अबाउट हर हेल्थ दैट मेरे को ये डिसीज हो जाएगा एंड आई विल भी डाय मेरे कोई वो डिसीज़ हो जाएगा ऐसा वैसा एंड वो हो जाती है अपसेंट माइंडेड एंड ग्लूमी दैट मीन्स सैड देन हमें देखना है कि पर्टिकुलर्स भाई कौन कौन से पार्ट पे वो कैसे एक्ट करती हैं सो फर्स्ट इज हेड हेड में ऐसा लगता है उसको कि उसका जो ब्लड है वो हेड की तरफ रश कर रहा है अलॉन्ग विथ दैट उसको वर्टिकल सेंसेशन आती है और उसको लगता है कि अपने हेड के अराउंड कुछ तो भी रोल कर रहा है वॉल प्रेसिव पेन हो जाता है हेड में स्कैंटी फ्लो एंड सेंसेशन एज दिफ हेड वुड बर्स्ट देन ग्रेट फॉलिंग ऑफ एयर बहुत ही जब बाल झड़ते हैं एक्सट्रीम लेवल पे वहाँ पे सीपिया अच्छे से वर्क करती है एंड स्पेशली व्हेन देर इज अ क्लाइमेट्रिक एज मतलब मेनोपोजल एज में अपोप्लेक्सी में स्टिंगिंग पेन जहाँ पे होता है विदिन आउटवर्ड एंड अपवर्ड एंड लेफ्ट साइडेड जब हेडेक होता है तब ये अच्छे से वर्क करती है सेपिया का जो फोरहेड होता है वहाँ पे पिंपल्स अगर आए तो ये अच्छे से वर्क करती है पिंपल्स ऑन द फोरहेड पे एंड एग्रवेट्स बाय स्टूपिंग मेंटल लेबो एंड एमेरेट्स बाय एक्सटर्नल प्रेशर एंड कंटिन्यूड मोशन द नेक्स्ट इज आइज आइज में आइज के मसल्स में टोटली अस्तनोपिक कंडीशन हो जाती है मतलब आइस के मसल्स टोटल वीक हो जाते हैं एंड द टार्सल ट्यूमर्स दैट मीन्स स्टाइज जिसको मराठी में मांजुरी बोलते हैं तो अपर आईलिड की स्वेलिंग हो जाती है वहां पे देन टोसिस मतलब ड्रुपिंग ऑफ द आईलिड ईयर इरिटेशन एंड द ब्लैक स्पॉट्स इन द फील्ड ऑफ द वीजन समटाइम्स कुछ सेकेंड्स के लिए ब्लैकआउट्स हो जाते हैं देन ईयर हरपैटी के में बहुत अच्छे वर्क करती है नेप ऑफ द नेक पे एंड स्वेलिंग एंड इप्शन ऑन द एक्सटर्नल ईयर पे एक बहुत अच्छे रेमेडी है ये द नेक्स्ट इज नोज अब नोज पे है उज ए नाट दट थिक डनेज डिस्चार्ज थिक प्लग्स एंड क्रस्ट फॉर्म हो जाता है स्पेशली क्रश जो होता है वो एंटीरियर नोज पे फॉर्म हो जाता है पेन हो जाता है रूट ऑफ द नोज पे प्रेजेंट एंड जो फेस होता है एज ऑलरेडी साइड की येलो होता है तो वहाँ पे येलो ब्लाउजेज मतलब येलो स्मॉल स्मॉल पैचेस क्रिएट हो जाते हैं जिसे हम क्लोएजमा से भी इंडिकेट कर सकते हैं एंड स्पेशली इट अपीयर्स अराउंड द माउथ सैडल लाइक ब्राउनिश डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है नोज पे आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे एंड चिक्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है द नेक्स्ट फीचर इज माउथ अब माउथ में क्या है तो माउथ में होती है टंग प्रेजेंट एंड टंग होती है उसकी वाइट एंड उसको हर चीज टंग होती है सीपिया की वाइट अब स्पेशली सीपिया को लगती है हर चीज़ सॉल्टी ठीक है उसको हर चीज़ में सॉल्ट सॉल्ट लगता है एंड प्यूट्रेड टंग फॉल होती है बैड स्मेलिंग होती है बट यहाँ पे एक प्रोमिनेंट फीचर है कि वन उसको मिन्सेज आते हैं तब उसकी टंग की सिम्टम्स पूरे क्लियर हो जाते हैं लोअर लिप्स में उसको स्वेलिंग एंड क्रैकिंग हो जाती है पेन हो जाता है टीथ में फ्रॉम सिक्स पी एम टिल मिड नाइट एंड वर्ड ऑन द लाइंग देन स्टमक स्टमक में उसको आती है ऑल गॉन सें उसको लगता है एकदम खाली खाली बट उसका जो ये सिम्टम है वो खाना खाने से भी रिलीफ नहीं होता उसको स्मेल से फूड फूड के स्मेल से साइट से इवन थॉट से भी नौशिया फीलिंग हो जाती है एंड वर्स लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड टबैको डिस्क्रिप्शन होता है टबैको खाने से उसको इंडाइजेशन होता है प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम होती है सब कुछ उसको सॉल्टी लगता है मॉर्निंग नोशिया के लिए अच्छी रेमेडी है एंड बर्निंग इन द पेट ऑफ स्टमक और उसको जो डिजायर होती है वो होती है विनेगर एसिड्स एंड पिकल्स की स्पेशली एब्डोमेन एब्डोमेन पे फ्लैटुलेंसी एंड फ्लैटुलेंट अलॉन्ग हेडेक, लीवर शोर एंड पेनफुल जॉन्डिस एंड रिलीव बाई लाइंग ऑन द राइट साइड उसको लेफ्ट साइड पर प्रॉब्लम हो जाती है और उसको राइट साइड में बहुत अच्छी फीलिंग होती है देन मेनी ब्राउन स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लीवर स्पॉट्स बोलते हैं एंड यहाँ पे एक प्रोमिनेंट सिम्टम है दैट सेंसेशन ऑफ रिलैक्सेशन एंड बियरिंग डाउन इन द एबडोमिन उसको लगता है उसके उसके अंदर के के हॉर्गन जो होते हैं वो बाहर प्रोट्यूड आउट हो जाएंगे एंड नेक्स्ट वन इज़ रेक्टम रेक्टम मतलब स्टूल के साथ उसको ब्लीडिंग आएगी ब्लीडिंग एंड फुलनेस प्रेजेंट होगी एंड ऑप्सटीनेट कॉन्स्टिपेशन और उसके कॉन्स्टिपेशन में हार्ड लार्ज स्टूल होगी जो कलेक्ट होगी और उसको लगेगा कि उसके जो रेक्टम है वहाँ पर सेंसेशन हो रहा है बॉल प्रेजेंट है ऐसा एंड वो स्ट्रेन भी नहीं कर पाएगी बिकॉज वहाँ पर ग्रेट टेनिस मेंस प्रेजेंट रहेगा ग्रेट पेन रहेगा प्रेजेंट एंड स्टूल का जो कलर है वो डार्क ब्राउन राउंड बॉल्स ग्लूट टुगेदर मतलब जो ऐसे और बहुत मतलब छोटे छोटे राउंड बॉल्स प्रेजेंट होंगे और उसको लगेगा वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं एंड ये शो करेंगे सब बंच फॉर मतलब ग्रेप लाइक अपीरियंस देंगे उसको प्रोलेप्स एंड आई के लिए एक कच्ची रेमेडी है ये जिसका पेन रेक्टम की तरफ जाता है एंड वजाइना में भी एक्सटेंड होता है यूरिन के कंडीशन में हिमैचुरिया के लिए मतलब रेड अधेज्यू सैंडी ग्रेटी यूरिन जो होती है वहाँ पे क्रोनिक सिस्टाइटिस मतलब क्रोनिक इन्फर्मेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर विद द स्लो मेक्चूरेशन एक अच्छी रेमेडी है देन नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में सेपिया में ड्राई कफ फटिगिंग कफ होता है जहाँ पर सेंसेशन होता है टिकलिंग सेंसेशन होता है और जब वो चलती है या फिर सीडिया चढ़ती है तो उसके एग्रवेशन हो जाते हैं कंप्लेंट्स एग्रवेट हो जाते हैं और चेस्ट पे उसके छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं इवन उसका जो स्कूटम होता है वो ऑफेंसिव और फिटेड होता है जैसे सड़े हुए अंडे रहते हैं वैसे उसकी स्मेल हो जाती है सो so, डिस्निया जो होता है यहाँ पे एक बहुत अच्छा सिम्टम है विच इज अ वाइवा क्वेश्चन कि डिस्निया वर्ड्स आफ्टर स्लीप एंड बेटर बाय रैपिड मोशन एंड डांसिंग सो इसको याद रखो एंड हार्ट कंप्लेन अब हार्ट में क्या होता है कि वॉयेंट इंटरमीडेंट पालपेशन स्ट्रीम्युलर सेंसेशन विद द फ्लशेज बैक में उसको लंबो साइक्रोल रीजन में पेन हो जाता है और उसका पेन एक्सटेंड करता है बैक पे ऑल ओवर बैक पे दन एक्सट्रेमिटीज़ जैसे मैंने आपको बोला कि डॉक्टर ऑफ सिग्नेचर में जो सेपिया की फिश होती है कटल फिश होती है उसको क्या रहता है उसके लिम्स और एंडाकल्स उसके ऑलवेज मोशन में रहते हैं सो so, वैसे ही सेपिया का पेशेंट के जो लिम्स रहते हैं वो रेस्टलेस होते हैं यहाँ के वह कॉन्स्टेंट मोशन में रहेंगे एंड डे कोरिया की कंडीशन उसको अराइज हो सकती है सो so, डे कोरिया सो so, यहाँ पर याद रखना है कि शी फील्स एंड गेट रिलीफ फ्रॉम द डांसिंग एंड द कॉन्स्टेंट मोशन सो स्किन यहाँ पे ईचिंग की कंडीशन होती है ईचिंग में स्पेशली वो स्क्रैच करती है तो भी उसकी ईचिंग रिलीव नहीं हो पाती क्लोएजमा हर्पेटिक इरप्शन ऑन लिप्स माउथ एंड नोज ब्राउन स्पॉट्स रिंगवम लाइक बॉयल्स हो जाते हैं क्रिपल नेल्स अल्सर्स यूट्रीक एरिया इन द ओपन ईयर एंड उसको वार्म रूम में अच्छा फील होता है यहाँ पे एक प्रोमिनेंट सिम्टम है हाइड्रा हाइपर हाइड्रोसिस एंड ब्रोमी हाइड्रोसिस हाइपर हाइड्रोसिस मतलब क्या है कि एक्सेसिव कलेक्शन हो जाता है वाटर का यहाँ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हाथों में एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है पाम रीजन में एंड ब्रोम मतलब क्या कि एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से वहाँ पे हो जाती है बैड ऑर्डर एकदम ऑफेंसिव फॉल स्मेलिंग बैड ऑर्डर प्रेजेंट होती है बॉडी पे उसको हम ब्रोमी हाइड्रोसिस बोलते हैं द नेक्स्ट फीचर इज लेंटिगो पे में लेंटिगो मतलब एक जगह पे स्मॉल स्मॉल पैचेस के फॉर्म में हाईली पिगमेंटेशन हो जाता है उसको हम लेंटिगो बोलते हैं एंड इचियोसिस मतलब जैसे फिश के बैक पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं वैसे ही पेशेंट के हाथों पर पैरों पर या फिर कुछ अलग पार्ट्स पे स्केली अपेयरेंस दिखाई देता है अलॉन्ग विद द टीचिंग होती है और एक्सट्रीम ईचिंग के वजह से वहाँ पे ऑफेंसिव ऑर्डर प्रेजेंट हो जाता है देन नेक्स्ट फीचर इज फीमेल जेनाटल ऑर्गन्स हाँ जब सी की लेडी पूछते हैं तो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स की ये सिम्टम्स बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं जैसे सीपीआई वर्क करती है ऑल मेंसेस प्रॉब्लम्स पे स्कैंटी मेनस हो लेट मेन्सेस हो अर्ली प्रोफ्यूज मैनसेज हो स्पेसिफिकली अमेनोरिया मेनोरेजिया एंड मेटोरेजिया पर यह बहुत अच्छे से वर्क करती है ब्लड कैरेक्टर इरेगुलर डार्क फ्लो क्वांटिटी टू स्वेंटी टू प्रोफ्यूज वैरिंग डिग्रीज में यहाँ की ड्यूरेशन होती है एंड बियरिंग डाउन सेंसेशन ये कंका मेटन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पेन फ्रॉम बैक टू द फ्रंट एंड विपिंगनेस ल्यूकोरिया येलोइ ग्रेनिश मच इचिंग एक्रिड बिफोर मैंसेस उसका ल्यूकोरिया बहुत ही येलोइ ग्रेनिश टाइप का होता है विच इज अगेन अ वाइवा क्वेश्चन दैन नेक्स्ट हमें देखना है कि प्रोलैप्स ये प्रोलैप्स ऑफ यूटरस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है सीपीआर को हर बार लगता है कि प्रेशर और बियरिंग डाउन सेंसेशन फील होते हैं उसको जैसे कि पेल्विक ऑर्गन्स बाहर प्रोट्र्यूट आउट हो जाएंगे एंड पेशेंट मस्ट क्रॉस द लिम्स टाइटली एंड सीट क्लोज टू प्रिवेंट द प्रोलैप्स जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे द नेक्स्ट फीचर इज़ लेबर सी पिया लेबर के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है जब लेबर पेन के साथ शेडरिंग मतलब शिवरिंग वाली कंडीशन आ जाती है और इवन मॉर्निंग सिग्नेस के लिए भी हम उसको दे सकते हैं एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन इज अबॉर्शन जब अबॉर्शन होता है फिफ्थ एंड सिक्स मंथ सॉरी जब अबॉर्शन होता है फिफ्थ और सेवन्थ मंथ में तब सी पिया एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो गाइनाकोलॉजी के केसेस में इंपॉर्टेंटली यूज़ की जाती है स्पेसिफिकली यूज़ की जाती है देन नेक्स्ट है मेनोपोजल सिम्टम्स अब सेपिया मेनोपोज के लिए भी बहुत अच्छी है कि फ्लशेस ऑफ हीट जब आते हैं गोइंग अपफर्ड कंडीशन हॉट फ्लशेस विथ चिलीनेस जब हमारे यहाँ पे हाथ अगर गर्म हुए तो फीट हमारे कोल्ड हो जाएंगे या फिर फीट गर्म हुए तो हाथ कोल्ड हो जाएंगे ऐसे वैसे वर्षा कंडीशन हमें दिख सकती है या फिर मेनोपॉज के टाइम पर जब ब्रेस्ट का ट्यूमर हो जाता है तब भी सीपिया बहुत अच्छे से एक्ट करती है देन नेक्स्ट इज सेक्शुअल स्पीयर सेपिया को होती है एक्सेस में सेक्शुअल डिजायर बट वो ड्यू टू ओवर इंटेलिजेंस उसको एवर्जन हो जाता है क्वाइटस से सो so, उसको डिस्पेरिंग यूनिया की कंडीशन क्रिएट हो जाती है दैट इज पेनफुल क्वाइटस एंड सेपिया इज बेस्ट फॉर द स्टर्लिटी और इनफर्टिलिटी ड्यू टू द रिपीटेड अपॉर्शन एट फिफ्थ एंड द सेवंथ मंथ सो ड्यू टू द ओवर इंटेलिजेंस उसको एवर्जन हो जाता है क्वाइटस से सो so, नेक्स्ट इज मोडालिटी सेपिया को एग्रवेशन कैशन किन चीज़ों से होते हैं सो ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड द इवनिंग वॉशिंग फ्रॉम द लॉन्ड्री वर्क डैम्पनेस लेफ्ट साइड पे लाई करने से स्वेटिंग से कोल्ड एयर से उसको होती है एग्रवेशन एंड एमेलोरेशन कब क्रिएट होती है उसको कॉन्सेंट मोशन अच्छी लगती है जैसे एक्सरसाइज प्रेशर वार्मनेस ऑफ द बेड हॉट अप्प्लीकेशन कोल्ड बाथिंग एंड ऑल्सो डांसिंग एंड रैपिड मोशन रिलीव हर डिस्निक कंप्लेंट्स सो अब सेपिया किन किन चीज़ों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है तो सेपिया बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री है नाइट्रोम्यूर और फॉस्फरस से इनिमिकल है लेकेसिजिज और पल्सटिला से एंटीडोट्स रोस्टॉक्स एंड एंटीक्रूड एंड एंटीडोटेड बाई चाइना मर्क्यूरियज एंड फॉस्फरस